शांत, स्वच्छ और मासूम जिला है मऊ। ये वो जिला है जो तमसा नदी की गोद में बसा है। साड़ी उत्पादन, जरी के काम और कशीदाकारी के लिए पूरे भारत में जाना जाता है उत्तर प्रदेश का मऊ जिला। औद्योगिक दृष्टि से संपन्न मऊ जिले का इतिहास भी काफी पुराना है। यहाँ और भी बहुत कुछ है जानने को खास, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बातें यूपी की टीम आज आ गई है पूर्वांचल के नामी मऊ जिले में। ये वो जिला है जो महाभारत और रामायण काल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यूपी के 75 जिलों में से एक मऊ जिला अपने शानदार इतिहास और पौराणिक मान्यताओं के कारण सबसे खास माना जाता है। मऊ जिला आजमगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। इस जिले में उत्तर में गोरखपुर, दक्षिण में गाजीपुर, पूर्व में बलिया, पश्चिम में आजमगढ़ और उत्तर पूर्व में देवरिया जिला है। वाराणसी का कुछ भाग भी जिले के दक्षिण क्षेत्र को छूता है। घाघरा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और दक्षिण सीमा को तमसा नदी छूती है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1713 वर्ग किलोमीटर में फैले मऊ जिले की जनसंख्या 2,205,968 है, जिसमें लिंगानुपात 978/1000 है। यहाँ की साक्षरता दर 80.16% है। महाराजा दशरथ के शासन काल में बड़े बड़े ऋषियों की तपोभूमि रहा है मऊ जिला। कहते हैं त्रेता युग में ये जगह ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी। पांडव भी वनवास के समय मऊ जिले में आए थे, जिस जगह को आज यहाँ खुरहत के नाम से जाना जाता है। वैसे मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है, जब यहाँ नटों का शासन था। पर सन 1008 के आसपास जब यहाँ बाबा मलिक ताहिर आए, तो कब्जे को लेकर मऊ नट और मलिक बंधुओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें मऊ नट का भंजन यानी कि वे मारे गए और इस क्षेत्र को मऊ नट भंजन कहा गया, जो कालांतर में मऊ नाथ भंजन हो गया। खैर, मौर्य और गुप्त वंश के राजाओं के बाद मुगल शासन काल में ये स्थान जौनपुर राज्य के अंतर्गत था। सन 1629 में जब ये स्थान शाहजहां की बेटी जहां आरा को मिला था, तब उनके साथ यहाँ कई मजदूर, कारीगर और अन्य प्रशिक्षित श्रमिक भी आए थे, जिन्होंने यहाँ बुनाई कला को जन्म दिया, जो कि आज मऊ की पहचान और जिले की ODOP भी बन चुका है। शुरुआती 18वीं शताब्दी में जौनपुर के शासन से अलग करके इस भूभाग को आजमगढ़ के राजा आजम शाह को दे दिया गया। सन 1801 में आजमगढ़ और मऊ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले और फिर इन्हें गोरखपुर जनपद में शामिल कर लिया गया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भी मऊ की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 3 अक्टूबर 1939 को महात्मा गांधी इस जगह पर आए थे। फिर सन 1932 में आजमगढ़ स्वतंत्र जिला बनाया गया और फिर स्वतंत्रता के बाद लगातार मांग के चलते 19 नवंबर 1988 को मऊ को आजमगढ़ से अलग कर एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। मऊ जनपद बहुत तेजी से विकास कर रहा है और उसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ की कनेक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट होना है। आप देख सकते हैं कि अब वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन जाने के बाद में लखनऊ से लगभग 3 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो बनारस और गोरखपुर का हमारा जो लिंक मार्ग बना हुआ है, इसमें भी की दूरी बहुत ही कम हो गई है। मात्र लगभग 1.5 घंटे में हम बनारस पहुँचते हैं और लगभग उससे इसी के आसपास हम लोग गोरखपुर पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से ईस्टर्न साइड में भी बलिया और बिहार से कनेक्टेड है। तो एक बार जब ये इसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई तो डेफिनेटली यहाँ पे विकास की नई संभावना है, उनका भी यहाँ पे सृजन हुआ है। और जनपद में अगर हम लोग नए प्लेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर नए ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य, सर्किट हाउस का निर्माण कार्य, जो हमारी जो मेन रोड है खोपागंज से लेकर हमारे बड़ुआ गोदाम तक, इसकी भी चौड़ीकरण का काम, ऐसे करके बहुत सारे काम जो है यहाँ पर अभी नए स्टार्ट होने हैं और हमारे प्लानिंग में है। तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में बहुत ही जल्दी यहाँ पर विकास की नई संभावना है, उन सब काम इसमें होगा और डेफिनेटली प्रदेश के जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें बढ़ाने में ये सहयोग सार्थक सिद्ध होगा। मऊ में देखने और जानने को अनगिनत चीज़ें हैं,
कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनका इतिहास जानकर आपको भी हैरानी होगी। हम आ गए हैं मऊ से लगभग 43 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल दौहरी घाट पर। कहते हैं भगवान श्री राम जब विवाह कर लौट रहे थे तो यही वो स्थान था जहां पर भगवान श्री राम और परशुराम का मिलन हुआ था। ये बाबा भोलेनाथ की परम पवित्र काशी नगरी के परिचय में आता है, इसलिए इसको काशी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, अभी कुछ महीनों पहले इसी दोहरी घाट के सरयू नदी में 53 किलोग्राम चांदी का शिवलिंग भी मिला था, जिसे अब संत श्री बाबा भोलाराम आश्रम में स्थापित कर दिया गया है। दोहरी घाट से 10 किलोमीटर पूर्व सूरजपुर नाम का गांव है। कहते हैं यहीं पर श्रवण का समाधि स्थल है जहां दशरथ ने श्रवण को मारा था। दोहरी घाट से निकले तो हम प्रकृति के एक मनोरम और रमणीय परिवेश में पहुंचते हैं। हम आ गए हैं मऊ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां जगत जननी माता सीता के वन देवी मंदिर में। यहां पर मऊ से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। क्या मान्यता है इस मंदिर के पीछे, आइए जानते हैं। यह मां वन देवी का धाम है, यह सीता मैया का पावन धाम है और सीता मैया जी जब भगवान राम के राज्य से निष्कासित हुई तो वाल्मीकि जी के आश्रम में आई और वाल्मीकि जी ही इनका नाम वन देवी रखे पहचान छिपाने के लिए। तो वन देवी नामकरण इनका वाल्मीकि जी द्वारा रखा गया है और ये वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। इतना ही नहीं, मऊ में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें देखना और जानना आपके जीवन का सबसे बढ़िया अनुभव हो सकता है। वैसे अगर आप कभी मऊ जनपद में घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ सड़क और रेल दोनों ही मार्ग मौजूद हैं। खैर, मऊ शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना हमारे लिए एक बड़ा ही बढ़िया अनुभव रहा, पर आपको ये शहर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये था उत्तर प्रदेश का मऊ जिला, फिर मिलेंगे एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।